न्यूज रिपोर्टर लाएगा ओबेरॉय हाउस में मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने है, और लक्ष्मी की बेइज्जती करने की मांगेगी नीलम और मलिष्का की माँ लक्ष्मी से माफी, और ऋषि वीरेंद्र निकाल देंगे मलिष्का की माँ और मलिष्का को घर से बाहर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब महिला सुरक्षा की औरतें मलिष्का पर कालीन पोत कर चली जाएगी, तभी मलिष्का की माँ एंड नीलम और पूरा परिवार लक्ष्मी की बेइज्जती करेंगे, और मलिष्का की माँ जब अपनी सारी हदें पार करते हुए लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए कहेगी कि तुम गरीब लोग मेरी जूती के बराबर नहीं हो और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार ही नहीं दिए हैं, इसलिए अच्छा हुआ कि वो लोग जल्दी मर गए, तब यह सुनकर लक्ष्मी को काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी कहेगी बस मैं इससे ज्यादा और नहीं सुन सकती। तब मलिष्का की माँ नीलम को कहेगी देख रही हो यह लक्ष्मी तुम्हारे सामने मुझे कैसे बदतमीजी से बोल रही है, तब यह सुनकर लक्ष्मी रोते हुए कहेगी तो मैं और क्या बोलूं, मैंने अपनी मर्यादा नहीं लांघी और ना ही मैंने अभी कुछ किया है। तब यह सुनकर एक पल के लिए मलिष्का की माँ और नीलम कुछ बोल नहीं पाएंगे, यहाँ पर जब शालू कहेगी कि सब लोग मेरी दी के पीछे क्यों पड़े हैं, तब यह सुनकर गुस्से से लक्ष्मी शालू का हाथ पकड़ती हुई कहेगी तू बीच में कुछ नहीं बोलेगी, जिसे सुनकर शालू कुछ बोल नहीं पाएगी। लेकिन जब ऋषि घर पहुँचेगा और अपने पापा वीरेंद्र को भी फोन करके घर बुलाएगा, तभी जब नीलम ऋषि को देखकर मलिष्का के बारे में कहेगी कि उस लक्ष्मी की वजह से आज मलिष्का पूरी दुनिया में बदनाम हो गई है, वो महिला सुरक्षा की औरतों ने लक्ष्मी के ऊपर कालीन पोत दी, ये सब कुछ उस लक्ष्मी ने करवाया, यह सुनकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे। जहाँ पर जब लक्ष्मी आएगी और मलिष्का जब अपना उजड़ा हुआ चेहरा लेकर ऋषि के सामने आएगी, तभी मलिष्का को देखकर ऋषि के होश उड़ जाएंगे, जिस वजह से ऋषि गुस्से से लक्ष्मी को कहेगा क्या मम्मी ने जो कुछ भी कहा वो सच है, तब लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी, जिस वजह से जब ऋषि लक्ष्मी पर इल्जाम लगाते हुए कहेगा कि अब तक तो मैंने तुम्हारे से असली चेहरा देखा था, लेकिन आज मैंने लक्ष्मी तुम्हारी करतूतों के साथ तुम्हारा असली रूप भी देख लिया, तुम जैसी घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी जो इतने नीचे गिरे हुए काम कर सकती है, तब यह सुनकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ जाएंगे, और ऋषि जब आखिरी बार फिर से लक्ष्मी को पूछेगा कि बताओ लक्ष्मी मलिष्का को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने के लिए क्या महिला सुरक्षा को तुमने बुलाया था, तब यह सुनकर लक्ष्मी ना कह देगी और कहेगी मैंने नहीं बुलाया। तभी जब दरवाजे पर वो प्रेस रिपोर्टर पेपर में छापने वाला आएगा और कहेगा कि महिला सुरक्षा को मैंने भेजा था, तब यह सुनकर नीलम मलिष्का की माँ ऋषि सबके होश उड़ जाएंगे, और नीलम गुस्से से उस प्रेस रिपोर्टर को कहेगी हाउ डेयर यू, तुम प्रेस रिपोर्टर्स की हिम्मत कैसे हुई उन महिला संरक्षण की औरतों को हमारे घर भेजने के। तब यह सुनकर प्रेस रिपोर्टर बड़े राज का खुलासा करते हुए कहेगा कि मुझे मलिष्का ने फोन पर धमकी दी थी और मुझ पर गुस्सा होकर उसने मेरी बेइज्जती की, और आज तक मेरी बेइज्जती मेरे बाप ने नहीं की तो वो होती कौन है मेरी बेइज्जती करने वाली, इसीलिए मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मलिष्का जैसी औरत है हमारे समाज को कलंकित करती है, और मैंने पेपर में सच ही छापा था जिससे मलिष्का के साथ आपको और इस पूरे परिवार को गुस्सा आया, लेकिन जो सच है वो सच है। यह सब सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी, और मलिष्का की माँ और ऋषि की माँ दोनों को लक्ष्मी की बेवजह बेइज्जती करने का एहसास होगा, और ऋषि की माँ गुस्से से मलिष्का को कहेगी क्या ये सच है, रिपोर्टर ने जो कुछ भी कहा ये सब कुछ क्या तुम्हारा प्लान था, तब यह सुनकर मलिष्का कुछ बोल नहीं पाएगी, और मलिष्का की माँ के लक्ष्मी के माँ बाप के मर जाने तक की बेइज्जती करने की वजह से घर की सबसे बड़ी दादी मलिष्का की माँ एंड नीलम को लक्ष्मी से माफी मंगवाएगी। जहाँ पर जब मलिष्का की माँ लक्ष्मी से माफी मांगेगी, तभी शालू मलिष्का की माँ को कहेगी अगर आपको संस्कार देने हैं तो आप अपनी बेटी को संस्कार दीजिए, कहीं आप ना अपनी बेटी को संस्कार दे बिना मर जाए। यह सुनकर मलिष्का की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन जब यह बात वीरेंद्र को पता चलेगी कि मलिष्का और मलिष्का की माँ ने लक्ष्मी के माँ बाप के संस्कार और उनके मर जाने पर बेइज्जती की है, तभी वीरेंद्र मलिष्का की माँ एंड मलिष्का को दोनों को घर से बाहर निकाल देंगे और मलिष्का के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, और मलिष्का की माँ और मलिष्का को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को नीलम को सबक सिखाने के लिए ऋषि को ऐसे ही मार्केश दोष के खतरे की हालत में छोड़कर नीलम को उसके किए का एहसास करवाना चाहिए क्या नहीं, यह सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और अप्लाई को सब्सक्राइब करें।